नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, इन 15 डेज का क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और क्रश के लिए, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, ये सब कुछ हम देखेंगे। और रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये आपके जोडियक साइन पे बेस्ड होगा, और आपको आपका जोडियक साइन आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या फिर जैसे प्लेसमेंट है, जैसे आप देखते हो, चेक करते हो, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो, आज तक अपनी रीडिंग को आप जैसे चेक करते आए हैं, जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है अपनी सन, मून, राइजिंग के साथ। जैसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपके साथ, आप वैसे चेक करें। सो स्टार्ट करेंगे हम एरीज के साथ। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। स्टार्ट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के साथ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 जून टू 30 जून क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। बहुत कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, सारे कार्ड्स कंफ्यूजन को ही बता रहे हैं कि डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। 16 जून टू 30 जून, वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मुझे पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 12, 2, 6, 8, 19, 2, 8, 7, 5, 11, 4। ठीक है, मुझे ये ओवरऑल अपने लाइफ में स्टक दिख रहे हैं इंसान, ये स्टक है कहीं, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, या फिर किसी काम में है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान स्टक हैं, जिसके चलते इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ पूरी रुकी हुई है, या तो काम अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर फाइनेंशियल दिक्कत है, या फिर कुछ है, यू नो, जहाँ पे ये इंसान स्टक हैं। इस रिश्ते में भी मुझे इनकी स्टकनेस दिखाई दे रही है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन लेना क्या है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ने इस रिश्ते को भी पॉज किया है, अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, फीलिंग्स में भी ये इंसान उलझे हैं, जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे बैलेंस करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं बैलेंस करने की। सो जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे कुछ चीज़ों को सही करने के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इंसान। फीलिंग्स में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, और चीज़ों को सही करने की एनर्जी है इनकी। ठीक है, फीलिंग्स में ऐसी एनर्जी है, और एक्शन में भी मुझे एक एक्शन दिख रहा है इनका। सो पॉसिबल है कि ये इंसान इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए इस टाइम एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स, कोई कॉल, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि ये चीज़ों को सही करने के लिए मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन इनकी शांति है, मतलब अगर आपके साथ रिश्ता सही हो भी तो शांति हो, जो कि
इनको अपने ओवरऑल लाइफ में नहीं मिल रही है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में इंसान बहुत परेशान है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी अगर ये इंसान कनेक्ट करेंगे तो भी शांति थोड़ी भंग होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। इसलिए ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में है, इसलिए ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको अभी फिलहाल शांति चाहिए, ठीक है। लाइफ में कुछ चीज़ें उलट पुलट है, क्या कहते हैं उसको, उलट पुलट है, जिसके चलते ये इंसान जो है ना एक कंफर्ट जोन में अपने, जहाँ पे अगर अकेले हैं तो अकेले ही हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है। किसी से मिलना, किसी से बात करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है, ठीक है। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि इनके बिना भी आप आराम से रह जा रहे हो, या फिर इनको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, इनको चेज नहीं कर रहे हो, और बहुत पावरफुल एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, जहां आपको देख के ये इंसान एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इसलिए ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो। ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑब्स्टिकल पैशन जो था ना इस रिश्ते में, वो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं खत्म हो गया है जो एक पैशन था। सो फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप दोनों के बीच, जिससे इस रिश्ते का चार्म जो था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और इनको वो पैशन चाहिए जो कि इनको नहीं मिल रहा अपने ओवरऑल लाइफ में। इनको पैशन और जो एक सुकून मिलता है वो आपके साथ मिलता है, लेकिन इस रिश्ते में भी अभी इनको वो चार्म खत्म होता दिख रहा है, वो पैशन खत्म होता दिख रहा है, ठीक है, जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे। आउटकम में मुझे सन की एनर्जी दिख रही है, और सन की एनर्जी हमेशा एक फ्रेश एनर्जी को बताती है। सो या तो ये इंसान बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ आपके पास आ रहे हैं इस टाइम पे, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर ये इंसान कर रहे हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी कुछ चीज़ों को चेंज करें। सो एक यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान ऑलरेडी आपको अपने हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। मुझे कुछ लोगों के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे आगे कुछ फेवर भी चाहेंगे, या फाइनेंशियल हेल्प, या फिर कुछ सपोर्ट चाहेंगे, ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत अबंडेंट हैं, आप या तो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, या फिर आप इनके लिए बहुत लकी हैं, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते इनको लगता है कि अगर आपके साथ ये रहेंगे, फिर आप इनके लाइफ में अगर रहोगे तो इनके लाइफ में अबंडेंस होगा। इनके लाइफ में जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब प्रॉब्लम्स इसलिए क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं हो, इसलिए कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, जिसके चलते अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक सक्सेस, एक अच्छी एनर्जी को लाने के लिए इंसान इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक डिसीजन लेने वाले मोड पर है, बॉटम ऑफ द डेक, आपको फ़ोन करें या नहीं, आपसे बात करें या नहीं, ऐसा क्या करें, अच्छा ऑफ़र दे कि नहीं, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। ऑफ़र दे तो कब दें, ऐसी एक एनर्जी है जो बॉटम ऑफ द डेक एक डिसीजन लेने वाली एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपके लाइफ में मुझे कोई एक इंसान दिख रहा है, कोई एक न्यू पर्सन, जिसकी की एनर्जी या तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, या फिर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर कुछ लोग बहुत अपने करियर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप डिटैच्ड होना चाहते हो इस इंसान से, आप अभी ईगो में हैं, क्योंकि इस इंसान का ईगो दिख दिख के अब वो ईगो आप में है, और आप अभी मस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे ये 15 डेज, जहां आप खुद से एक्शन लेना नहीं चाहेंगे, और इस इंसान से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मूव ऑन नहीं भी तो डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप बहुत चेज करते थे इस इंसान को, तो इस टाइम आप बिल्कुल चेज नहीं करोगे, आप डिटैच्ड होने की कोशिश करोगे इनसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में एक्सप्लोरिंग की एनर्जी है, जहां पे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग लोगों से दोस्ती करना, बात करना, अपनी एनर्जी को लाइट करना, ऐसी एनर्जी है। इनसे क्या चाहते हो आप, इनसे आप चाहते हो कि ये इंसान समझे आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू को समझाने के लिए आप इस इंसान से इस टाइम डिटैच्ड होते मुझे दिख रहे हैं। यस, आप ये चाहोगे कि ये इंसान आपके प्यार को समझ पाए, और इनको पछतावा हो कि इन्होंने क्या खोया, ऐसी कोई एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप जानबूझ के इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, ताकि इनको आप सबक सिखा सको, ठीक है। मुझे जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से कनेक्ट करने के बावजूद भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। हमेशा ही आपके साथ अन्याय होता है, या फिर ये इंसान आपके साथ सही नहीं करते हैं, इनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है, इसलिए आपको इस टाइम पे आप ऐसा फील करोगे कि इनसे थोड़ा दूर होना ही अभी आपके लिए अच्छा है, इसलिए आप इनसे डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, इसलिए आप इस टाइम बहुत ईगो में रहेंगे, अपने ऊपर बहुत फोकस रहेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, और एक नहीं झुकने वाली एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार तो आपके मन में है फॉर श्योर, लेकिन आप बोलना, एक्सप्रेस करना चाहोगे भी तो ईगो से नहीं एक्सप्रेस करोगे आप, ऐसी एनर्जी। आपके लाइफ में कोई और भी प्रपोजल मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आपका ध्यान उस तरफ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप उस इंसान पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस टाइम। आप ज़्यादा खुद में कंटेम्पलेट करेंगे, यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, डिवाइन से कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी इस टाइम आपकी, अपनी सोल, अपनी स्पिरिट से आप ज़्यादा इस टाइम कनेक्ट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
सो मुझे आपके पार्टनर से एक एक्शन आपके टुवर्ड्स आता ज़रूर दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी के लिए, एक फ्रेश एनर्जी के लिए। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेष राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेगी मेरे मेष राशि। मैम प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन, और मेरे व्यूवर्स के फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। मैम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ प्लीज़ गाइड। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ये क्या है? क्या है? हैंगमैन की एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों ही इसमें बड़े कंफ्यूज रहेंगे, समझ में नहीं आएगी चीज़ें कहाँ क्या हो रही हैं। ठीक है, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, वर्ल्ड की एनर्जी है मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो ऑल साइंस रीडिंग है लेकिन हाईलाइटेड साइन यहाँ पे जो है वो मैं बता दे रही हूँ। सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, एरिस लियो सैजिटेरियस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान किसी और को कट ऑफ करके आपकी तरफ आ रहे हैं और आप किसी और रिश्ते से निकल के इस इंसान के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, या तो, या फिर बहुत दिन अगर हो गया है आप दोनों का देखा देखी चल रहा है, प्रपोज नहीं हो रहा है, लटक रही हैं मतलब कुछ कहीं पहुंच नहीं रहे हैं अगर, तो इस टाइम आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जहाँ पहले अगर कुछ देखने का टाइम था, मिलने का टाइम था, या फिर बात करने का टाइम था, या फिर यू नो कहीं हम जैसे कॉलेज में या फिर कलीग्स जो होते हैं हमारे ऑफिस का टाइम, या फिर कोई एक टाइम सेट होता है जब हम देख सकते हैं अपने क्रश को या फिर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सो अगर वैसा कुछ था तो आप इस टाइम पे डिटैच्ड होंगे अपने अब दोनों एक दूसरे से, मुझे ये लग रहा है। अगर देखा देखी चल रही थी या फिर आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड थे या फिर कोई इन्फेक्चुएशन था या कुछ भी अगर था ना आप दोनों के बीच, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे या तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे किसी और को कट ऑफ करके, या फिर आप से थोड़ा डिटैच्ड होके ये इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप भी अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं, आप भी या तो इल्यूजन में हैं या फिर अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। इनके तरफ से ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है, ये इंसान बहुत हर्ट हैं और ये नहीं चाहते हैं कि बहुत हर्ट होके ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट ले, या तो आपसे बहुत हर्ट हुए हैं ये इंसान, क्योंकि आपसे इतना हर्ट होना नहीं बनता है ना, क्रश कौन इतना हर्ट करता है, तो ये कोई पास्ट का इंसान है जो कि इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है और इस एनर्जी के साथ ये आपसे कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी आपके भी ऑब्स्टिकल यही है कि कहीं आपने क्लोजर जस्ट दिया है या फिर आप नहीं दे पा रहे हो क्लोजर कहीं, जिसके चलते आप इनसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, या तो कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है या फिर कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपको यहाँ पे। आपको लग रहा है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप यू नो क्या करोगे, आप मतलब कैसे बात करोगे या फिर कैसे मिलोगे या फिर इनके बारे में कुछ जानना हो तो कैसे जानोगे, सो वो आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है यहाँ पे। इनकी तरफ से ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस टाइम खुद को, खुद की एनर्जी को, जो इस एनर्जी में इंसान है इसे निकलने की कोशिश करेंगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। और आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप मुझे अलग अलग लोगों से बात करते इस टाइम देख रहे हैं। इस टाइम आपका फोकस किसी एक इंसान पर नहीं रहेगा, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करोगे लोगों से या बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली एनर्जी है, जहाँ पर प्रपोजल्स भी आपके पास बहुत सारे रहेंगे इस टाइम पर। सो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि किसको किसको मौका देना चाहिए या फिर किसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो कि मैरिज के लिए देख रहे हैं और मैरिज का बहुत सारा प्रपोजल आपको मिल रहा है, या कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत है या फिर एडमायर्स बहुत है आपके। सो आपके पास इस टाइम पे ऑफर्स बहुत रहेंगे, आप कन्फ्यूज होगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे मेष राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, उनकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स,
मेरे मेष राशि वालों के लिए 16 जून टू 30 जून उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, डॉक्टर प्लीज टीच की एनर्जी यहाँ पे, थ्रोट चक्र, हील, शाइन, मैनिफेस्ट जो है वो यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है और गिविंग एंड रिसीविंग आउटकम में दिख रहा है एंड टेक द लीड। क्या बात है, यहाँ कुछ लोग मुझे गुरु की तरह आते हुए दिख रहे हैं। गुरु की तरह आते हुए दिख रहे हैं मतलब आप कुछ नॉलेज शेयर करते हुए दिख रहे हो लोगों के साथ ओवरऑल लाइफ में। ब्यूटिफुल नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 5, 17, 19, 1, 6 एंड 3। 5, 5 की एनर्जी है, कुछ एक बिग शिफ्ट हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, जहाँ पे बहुत दिन से अगर आप कुछ सोच रहे हो, सपोज आप यूट्यूब चैनल का सोच रहे थे तो इस टाइम आप चैनल अपना खोलोगे और यू नो कुछ सिखाना लोगों को, कुछ बताना, कुछ जानकारी देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। और कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है कि फिजिकली मतलब अपने आस पास के लोगों को ट्यूशन स्टार्ट करना या फिर कुछ ना कुछ सिखाते हुए दिख रहे हैं, एक गुरु की तरह सामने आते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है, अपने ओवरऑल लाइफ में। Then please guide. One more time, please. मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है कुछ। अगर आप बहुत दिन से कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे अगर, तो इस टाइम पे आपको स्टार्ट करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ना कि कुछ स्टार्ट करने में डर लग रहा है आपको, लाइक यू नो अपने ओवरऑल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत दिन से प्लानिंग चल रही है लेकिन उसको स्टार्ट करने में आपको डर लगता है, कैसे करें, आगे होगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं, यू नो चीज़ें किस तरह से काम करेंगी आपको नहीं पता है, इसको लेकर थोड़ा सा आप डरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे इस मंथ में मतलब 16 टू 30 के बीच आप कुछ स्टार्ट करेंगे, बहुत क्रिएटिवली आप स्टार्ट करोगे कुछ, ठीक है। कुछ क्रिएटिव है आपके अंदर जो कि आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी शेयर करना चाहते हैं अपने नॉलेज को, मे बी यूट्यूब के वीडियो के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम रील्स बना के, फिर ऐसा कुछ जहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट करोगे और उनको कुछ सिखाओगे आप, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जो कि जो कि सपोर्ट भी आपको मिलेगा उससे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ आपके अपने आपको सपोर्ट कर सकते हैं उन चीज़ों में, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। करियर में थ्रोट चक्र की एनर्जी दिख रही है और थ्रोट चक्र की एनर्जी एक्सप्रेशन को बताती है ना। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस टाइम पे या तो कहीं पे डोनेशन वगैरह कर सकते हैं या फिर आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप बहुत दिन से चाह रहे थे कुछ स्टार्ट करना और कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंस की कमी हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ आपको सपोर्ट मिल सकता है अपनों से या फिर डिवाइन कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे कि आपको वो जो नीड है आपकी फाइनेंस की वो यहाँ पे पूरी होती दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे या फिर रिलोकेट करना चाह रहे थे अपने जॉब के रिगार्डिंग ऐसा कुछ, तो मुझे यहाँ पे आप रिलोकेट करते भी दिख रहे हैं। कुछ लोग अब्रॉड के लिए अगर ट्राई कर रहे थे, उनका वीज़ा वगैरह वो सब भी सही होता दिख रहा है। थ्रोट चक्र की एनर्जी एक्सप्रेशन को बताती है, मे बी आप कुछ इंटरव्यू इस टाइम दोगे जो कि क्लिक हो जाएगी और अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपकी इस टाइम पर आ सकती है। जॉब बिजनेस से आपको कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आपका करियर, आपका फाइनेंस इस टाइम मुझे स्टेबल दिख रहा है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या फिर इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस टाइम मुझे आप थोड़ा सा सिक्योर फील करोगे कि आपका जो फाइनेंस है वो स्टेबल हो रहा है। एक चेंज की भी एनर्जी यहाँ पे है, सो कुछ रिलोकेशन दिख सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलोकेट करना चाहते हैं आप, दूसरे सिटी, दूसरे देश में जाके अगर काम करना चाहते थे वो हो सकता है इस टाइम पे। आपके कोई फादर फिगर कोई ऐसे हेल्प कर सकते हैं आपको या फिर ज़्यादा आप और ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहते हो अपने फैमिली को, ऐसी कोई एनर्जी ऐसा दिख रहा है। और अगर नहीं तो कोई फादर फिगर यहाँ पर आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे हील की एनर्जी दिख रही है। अब ये समझिए कि जो लोग हीलिंग कर रहे थे, अगर आप किसी कार्मिक इंसान के साथ थे तो वो रिश्ता हील हो सकता है, और अगर बिल्कुल भी हीलिंग की चांसेस वहाँ नहीं है तो वो रिश्ता कट हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ प्रपोजल मिलता दिख रहा है, माय गुडनेस, ओके।
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे. कोई एक रिश्ता जो कि टॉक्सिक रहा है पास्ट में या उसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं, वहाँ से आपको कोई ऑफर मिलता दिख रहा है, कोई इमोशनल ऑफर. ये इंसान सडनली आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेंगे बिना सोचे समझे एक्शन, जो कि थोड़ा सा आपको इमेच्योर ज़रूर लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत इमोशनल और रोमांटिक ऑफर भी होगा. ऐसी एनर्जी दिख रही है. ये कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है. आपका रिश्ता जो ख़राब हुआ था या फिर टॉक्सिक था या फिर आप बहुत दिन से अगर किसी के लिए वेट कर रहे थे, तो वो इंसान इस टाइम पे एंटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, री एंटर कर सकते हैं और चीज़ें बेटर हो सकती हैं. मुझे ये दिख रहा है हीलिंग की एनर्जी. तो ये सब कॉज आपका रिश्ता हील हो रहा है. अगर आप नहीं भी हीलिंग कर रहे हैं तो भी वो रिश्ता यूनिवर्सल हीलिंग से हील हो रहा है. ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी से हील हो रहा है. हेल्थ में शाइन की एनर्जी है. ऐसा हो सकता है कि आप लोग जिम जाना, अपने ऊपर काम करना, अपनी यू नो बॉडी पे, अपनी फिजिक पे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, ऐसा कुछ कर रहे हो. मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, मतलब चाहते हैं कि वो ग्लो करें. ऐसी एनर्जी है. हेल्थ पे ध्यान देना, यू नो अपने ब्यूटी पे ध्यान देना, टाइम टेबल को सही करना, जिम जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जहाँ आप इस टाइम शाइन करते दिख रहे हो मुझे. ठीक है, हाँ, मुझे कुछ लोग यहाँ पे नया कुछ स्टार्ट करते देख रहे हैं जिससे कि आप शाइन करो, आपकी ऐसी हेल्थ हो, आपकी अपीयरेंस आपकी ऐसी हो कि जो भी आपको देखे वो देखते रह जाए. ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है. हेल्थ मुझे अच्छा दिख रहा है. अगर कुछ प्रॉब्लम थी भी तो इस टाइम हील होते दिख रही है मुझे. ठीक है, ओके. मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे. कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो ऑब्स्टिकल हो रहा है, वो हो नहीं रहा है. आप समझें कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है. बहुत बार मैंने बोला है, फिर से बोल रही हूँ, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं दो चीज़ में और कंफ्यूजन में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं होगी और ज़्यादा कंफ्यूज्ड आप होंगे. ठीक है, हाँ, कुछ फ्यूचर को लेके कुछ कुछ है आपका जहाँ पे आप नेगेटिव माइंडसेट में आप कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन जो कि नहीं पूरी होगी. अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, वही एनर्जी मल्टीपल होकर हमारे पास आती है. या तो पूरा आपको पूरी तरह से क्लियरिटी चाहिए, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे. ओके, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी यहाँ मुझे आउटकम में दिख रहा है. इस टाइम जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा ऑब्स्टिकल फील कर रहे थे या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, वो दशांश निकालना शुरू करें. अब दशांश किसे बोलते हैं हम, अपनी सैलरी का 10% निकाल कर डोनेशन करें. आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा. देखो, अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे है. जब आप लोगों को हेल्प करते हो ना, तो आपको उसके बाद आपको ईश्वर देखते हैं आपका, आपको आपका खुद का नहीं देखना पड़ता है. ठीक है, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी या फिर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स ब्लॉकेजेस अगर थे, तो अपनी सैलरी का कुछ परसेंट निकाल के लोगों में शेयर कीजिए. जो लोग अपनी अपनी कैपेबिलिटी से अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को आपको दान दक्षिणा करना है. ठीक है, ऐसी कोई मनी, ऐसा कोई फंड यहाँ पे आपको मिलता दिख रहा है जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे. ये कोई ऐसा फंड हो सकता है. मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मुझे कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि रिटायरमेंट का कुछ है, म्यूचुअल फंड हो सकता है जो कि यू नो जो कि मैच्योर हो गया है. आप उन चीज़ों को निकालने के लिए परेशान हो रहे थे या फिर वेट कर रहे थे, या कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है जिसका आप वेट कर रहे थे कि वो पैसे मिलेंगे. वो पैसे मुझे यहाँ पे मिलते दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये पूर्वजों की कोई संपत्ति हो सकती है, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि इस टाइम आपको मिले. और जब मिले आपको ये, तो आप उसका कुछ परसेंट निकाल के ज़रूर डोनेट करना, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आप रिसीव कर पाओ. ठीक है, टेक एंड लीड की एनर्जी है. और सॉरी, टेक द लीड की एनर्जी है और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है. टेक द लीड की एनर्जी ये बताती है कि स्पिरिचुअली आप ग्रो करें और उसके बाद लोगों को भी आप ग्रो करने में हेल्प करें. टेक द लीड मतलब एक लीडर की क्वालिटी में आएं और खुद तो लीडर बने और आपके साथ और लोगों को भी आप लीडर बनाएं. ठीक है, ऐसी एनर्जी. हम कुछ गाइडेंस देखेंगे. गाइडेंस क्या है मेरे मेष राशि वालों के लिए. प्लीज़ गाइड मी डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. One more time, please. Oh, so sorry. Ancestor spirit ki energy hai. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर्स के द्वारा ब्लेसिंग्स दिख रहा है. ठीक है, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या फिर
एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स मिल सकती है, एंसेस्टर्स हीलिंग ज़रूर करवाएं। पूर्वजों के लिए बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि हमें करने होते हैं, बहुत घर में नहीं करते हैं जो कि बहुत ख़राब होता है। सो ऐसे कोई रिचुअल्स हैं जो कि आप फॉलो करते थे अभी नहीं कर रहे हो, वो ज़रूर करें ताकि आप जो भी ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं वो खत्म हो सके। डिवाइन एल्केमी की एनर्जी है, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो भी आप चाहते हैं उसको, उस पर फोकस करें, जो भी ड्रामा चल रहा है उसको इग्नोर करें, ठीक है। लेकिन जो आप फोकस कर रहे हैं ना वो गलत तरीके से फोकस करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपकी गलत हो रही है। सो अपने मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा सा फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को कंफ्यूज रख के आप मैनिफेस्ट अगर करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, ठीक है। क्या करना चाहिए डिवाइन मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड। स्पिरिट रिलेशनशिप्स की एनर्जी यहाँ पे है, इंट्यूशन कनेक्शन साइन एंड इंस्पिरेशन। अपने थर्ड आई चक्र पे थोड़ा सा माइल्ड फोकस करके आप वो करें, मेडिटेशन करें। माइल्ड फोकस मतलब समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा फोकस मत करें, क्योंकि जब थर्ड आई चक्र हमारा एकदम से एक्टिव हो जाता है तो आपको बाकी के डायमेंशन पे दिखने लगते हैं। हमें सिर्फ दो आँखों से जो हम देख रहे हैं वो नहीं, तीसरी आँख भी बहुत कुछ देख सकती है, जिसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं अगर होगी तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। या तो इस टाइम जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस पर फोकस जरूर करें, ओके। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे ससुर फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।